मेरी कभी आपको जुट पड़े मेरे भाई याद भाई आपके बीच में है और हमारे छोटे भाई यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, हम लोग आपके काम पर खड़ा उतरेंगे। मुझे हमें तो बनाना है, हमें जरूरी साहब यहाँ पैदा करने हैं दूसरे, अब वो रियाज साहब होंगे और तीसरा आदमी कोई नहीं होगा। ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, काबिलियत है उनके अंदर, जोर से काम करने का अंदर। हमें यहाँ सुना है कि घर के दरवाजे किसी गरीब के लिए बंद नहीं होते, घर के दरवाजे एक अमीर के करोड़पति के बंद होते हैं, छह छह ताले, लेकिन रियाज भाई के दरवाजे कभी गरीब के लिए और मुसीबत आदमी के लिए बंद नहीं होते। हे मालिक, हे ईश्वर, अगली बार आओ तो यहाँ के जो एमएलए हैं रियाज साहब होने चाहिए, ठीक है? ये हमारी दिली ख्वाहिश है। आपने गैस के सिलेंडर जो हमारी कांग्रेस में 400 रुपए सिलेंडर था, तब इनके एक मंत्रानी थी जो लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने चोरी फेंकी थी हमारी मनमोहन सिंह जी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर। आज मैं उस मंत्रानी से पूछना चाहता हूं, वो चोरियां कहां गई? आज 1000 रुपए का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर है। आज वो चोरियां आपके मोदी के हाथ में होनी चाहिए, अमित शाह के हाथ में होनी चाहिए। दिल खुला इंसान है, उनके साथ के मुझे बता दे सर, मरते हैं गरीब के लिए। मैंने बहुत उनकी वीडियो देखी, आवाम उनके पीछे पीछे दौड़ता है, पूरा इतिहास उनके पीछे जोड़ते हैं। ब्याज साहब आ गए, ब्याज साहब आ गए, ये करो को अपने अंदर इसने घट, कांग्रेस को कमजोर करने का काम तुम कर रहे हो। दिल्ली से यहां से जम्मू से दिल्ली भागते हो, वहां आईना दिखा दो क्या कमरे में बैठकर? हम यहां खुद आए जमीन पर, यहां पर इसलिए देखा कि कल को हमारा कार्यक्रम इस वार्ड में है, तो हम अपने बीच में एक हीरा पैदा करना चाहते हैं। मजदूर की आवाज, आवाम की आवाज, कल वो खड़ा उतरेंगे तो ये मेरा आज यकीन है। अगर हमारे रियाज भाई बने तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, जो 2014 के बाद अधूरी रह गई, वो यहां से पूरी होगी। ये तो एक हर पंचायत से दो दो आदमी बुलाए थे कि अगर एक जलसा करते तो रियाज साहब का 15-20 हजार आदमी से कम में होता जलसा। और ये भी मेरे एक शब्द आपसे, इनका ना चाहेगा तो आजाद साहब का जलसा मैं कराऊंगा, आजाद साहब को लेकर आऊंगा रियाज साहब को, ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूं। ये मैंने उनसे कहा है, मैं कहा सर दो जलसे होंगे यहां पर, और हम लोग ये भी बाद में जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल उनसे भी, और ये कहूंगा ये इस तरह के अफवाह फैलाने के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, पार्टी की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई हो, और आगे से भूल जाए किसी के बारे में गलत फहमने का, ये कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। आज आपके टोड़ा जिले में प्रथम बार, पहली मर्तबा आया हूं, और मेरे मीडिया के बंधु साहिबान पंचायत सदस्य, आज मेरे साथ हमारे प्रदेश की अध्यक्ष महिला परमा फराठी जी, मेरी बहन, बहुत जिला अध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की महिला की, नरेंद्र कौर जी बडोट से जिला अध्यक्ष हैं। आपके बाद रियाज साहब के बारे में, सरवड़ी साहब के बारे में मैं काफी 9-10 महीने सुन रहा हूं। कल ही मेरी उनसे बात हुई, और अक्सर रियाज जी से मेरी बात होती रहती है 2-4 दिन बाद,
जो लोग जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं उनके लिए अखबार मीडिया नहीं, उनकी मीडिया आप लोग हो, आप लोग उनकी मीडिया हो। अगर आप के बीच में है, अभी आपने बताया 29 दिन 28 दिन आपके बीच में अपने विधानसभा में रहते हैं, अब चुनाव का दौर है, अब बरसाती मेंढक की तरह वे बाहर आ रहे हैं लोग, 5 साल बाद आपकी शक्ल देखने आएंगे वो लोग। और जो 5 साल आपके बीच में रहा, जो अभी एक बात चले कि उनको एक फरमान सुनाया गया, ये किया गया अलग पार्टी से, ऐसा कोई फरमान ऐसा कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस जोड़ना जानती है वर्कर को, कार्यकर्ता को, तोड़ना नहीं चाहती कांग्रेस। ये कांग्रेस की एक परंपरा है हिंदुस्तान के अंदर। आप टीवी के माध्यम से देख रहे हो, सोनिया जी 5 दिन तक लगातार ईडी के घेरे में जा रही है, 75 साल की महिलाएं। आप राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, प्रियंका जी को हाथ पकड़े जबर से खींच के गाड़ी में गिर रहे हैं लोग, वो किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर हमारी मां को कोई 1 घंटा पुलिस थाने में बुलाए तो हम तमाम नेताओं को फोन करते हैं। हिंदुस्तान का हर वर्कर सोनिया जी के साथ है, हर वर्कर राहुल जी के साथ है। तो ऐसा किसी के पास अभी वो नहीं कि कांग्रेस से किसी को निकाल दे। और ये परंपरा मेरे यहां भी, ये परंपरा होती है तो ये बीजेपी में होती है कि और पार्टी में हो जाएगी, कांग्रेस में नहीं। ये गलत फहमियां जिस तरह की आपस में किसी के माध्यम से दी गई, ये सब गलत है। मेरी रियाज साहब से बात भी फोन पर, वीडियो कॉलिंग भी हुई, और आपको मैं बता देना चाहता हूं, मैंने दो चार वीडियो भेजी आप लोगों को, गुलाम नबी आजाद जी और हम लोग बैठे घर में, तो मैंने रियाज साहब से बात कराई 10 मिनट। मैं आप बात करो सर एक बार रियाज जी से, क्या आज तक कोई नेता ऐसा है आज के बीच में किसी भी डायरेक्ट दिल्ली से जाके पास किया कि मेरे आदमी को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आपके मैंने सोनी साहब के बारे में सुना, आप मोदी की लहर पूरे देश के अंदर चल रही थी, आपके एक हमारी कांग्रेस के एक विधानसभा से सोनी साहब जीत गए थे पूरी मोदी की लहर में। सोनी साहब सोनी साहब, और आज भी मैं उनके बारे में, कल भी मेरी बात हुई आपसे, कल भी मेरी बात दिनेश जी रियाज बहुत दिल का आदमी है, बहुत पब्लिक के लिए, वर्कर के लिए, कांग्रेस के लिए। अगर आज कांग्रेस को 2 जगह जिंदा किया है तो या तो डोड़ा के अंदर रियाज भाई ने किया है या सुरेश साहब ने किया है। और मैं आपके बीच में अभी कुछ डेलीगेट है मेरे पास, मैं शर्त रखता हूं आज एक मौका रियाज साहब को हम दें यहां पर जलसे का, अगर 15-20 हजार आदमी तक जा देना हो फिर कह देना आप ये कमाए हो 15-20 हजार आदमी को प्यार कमाया। एक आदमी के पास 15-20 आदमी नहीं है, वो 20 आदमी लाकर दिखाए कांग्रेस में शामिल करके दिखाए, और एक 20,000-25,000 का नेतृत्व करते हैं उसको कह रहे हमने निकाल दिया। ये सब हमें एक चीज है कि अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, किसी जो भी वहां जहां पानी कम था। ये जो कांग्रेस कांग्रेस को हरा रही है, कोई बाहर में कोई ताकत नहीं है किसी में जो हमारी कांग्रेस को हरा दे। ये कांग्रेस के बीच में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को हरा रहे हैं, जो पब्लिक के बीच में न जाके, मजदूर के बीच में न जाके, किसान के बीच में न जाके, वर्कर के बीच में न जाके सीधा दिल्ली के फ्लैट पकड़ते हैं और दिल्ली में बैठते हैं। आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं, मैं गुलाम नबी आजाद जी के क्षेत्र में हूं, ये बाजीरा उनका गांव है। ऐसे इंसान को जब कोरोना काल के अंदर जब गुलाम नबी आजाद जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, तमाम हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने एम्स बनाए, वो एम्स जो हिंदुस्तान में पहली बार जो भाजपा के ज्यादातर मरीज उस एम्स में भर्ती हुए और वहां से जिंदा होकर गए, वो आजाद साहब के दिन थे, क्योंकि उनके साथ नबी भी लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और
तो और आज जिन लोगों के मरीज वहां गए कि आज इस एम से बच्चा मेरा ठीक होके जा रहा है, ऊपर वाला उसको बहुत उम्र दे, तो वो दुआएं हमारे आजाद साहब को काम करेंगे। मैं उनके साथ मेरी उम्र 15-16 साल रही होगी, तब वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो उनका विकास करा हुआ है तो ओला जब वो यहां के सीएम थे, आज वही विकास जो के चुप रहा, उसके बाद किन किन आपके यहां सीएम रहे हैं। भाई लोगों, आप लोग किसी भ्रांति में किसी भागाए में ना रहें, बहन के हमारे भाई के रियाज भाई के मजबूत हाथ करें। और दूसरे आपको बधाई दूंगा मैं अपनी बहन को कि आप पहली महिला यहां पर जीती हैं, आप इसके मेंबर बनी हैं, आपने एक महिलाओं के अंदर हमारी बहनों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि आओ बाहर निकलें, आपका अधिकार है, आपका हक है, क्षेत्र में काम कराते रियाज साहब हमें देखा परसों मेरी बात हो रही है कि दिनेश जी सुनजाली हम लोग चाहते हैं, यहां के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, पानी नहीं पहुंचता और यहां का जो विकास वो जम्मू तक अटका हुआ है, अधिकारियों की फाइल में अटका हुआ है। अभी मेरे भाई से बात हो रही थी, बिजली के बारे में बात हो रही थी, पानी के बारे में बात हो रही थी, आपके यहां फैक्ट्री नहीं है, अभी भाई कह रहे थे कोई फैक्ट्री नहीं है, यहां खाली हाईवे पे जो रोड चल रहा है आपके बीच। हम लोग जो भी फैक्ट्री पहले कंपनियां आई वो किश्तवाड़ में आई, किश्तवाड़ में जब फैक्ट्री लगेंगी रोजगार मिलेगा, मजदूर हमारा काम करेगा, हमने यही मनरेगा के अंदर जो कांग्रेस की मनरेगा चली थी उस टाइम 100 दिन का हम लोगों को काम देते थे मजदूर, आज 100 दिन से कितने दिन उन्होंने घटा घटा किए, कितने दिन कर दिए, हम कह रहे 350 रुपये पर देगा उनको मजदूरों को मेहनता ना, मेरे ख्याल ये 200 रुपये दे रहे होंगे, लोगों को पता होगा आप लोगों को 214 हम तो कह रहे 350 दें, लोकल मजदूर 650 रुपए ले रहा है, काम मिले हमारे लोगों को, अपने गांव में मिले काम, अपने क्षेत्र में काम मिले, मजदूर की मजदूरी की ना मजबूरी का नाम मजदूर है, मजबूरी का नाम मजदूर है, कोई शोक से मजदूरी नहीं करता। हम आपके बीच में यही इसलिए मैं जानबूझकर, क्योंकि मेरे को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला, मैंने कहा सुनजाल जी पहले धरती पर जमीन पर जाकर देखो कि मेरे मजदूर की हालत क्या है। इससे पहले जो आजाद साहब ने भी कहा कि जो इन तक के हमारे जम्मू में अध्यक्ष थे उन्होंने 20 साल कुछ नहीं किया, 20 साल में आपके बीच में नहीं आए, आपको यह भी नहीं पता आपके अधिकार क्या है, जब आपको पता लगेगा तभी आप उसकी मांग करेंगे, जब आपको पता ही नहीं कितना है कि राशन में कितने किलो चीनी मिली है, कितना हमें अनाज मिला है, तो राशन वाले से क्या कहेंगे, अगर आपके हिस्से में 10 किलो ना जाए वो राशन वाला कहेगा आपके हिस्से में 5 किलो ब्लैक मार्केट में। आप अगर किसी फैक्ट्री में जाते हैं वहां पीएफ करता है 6%, 4% फैक्ट्री मालिक देता है, 2% आपका है, 1 साल में 2 बार पीएफ मिलता है, किसी बच्चे की शादी में, मजबूरी में, पढ़ाई में, वो पीएफ फैक्ट्री मालिक के तरफ से आपको एसएसआई मिलती है, हेल्थ कार्ड, जॉब कार्ड, हर आपका लेबर लॉ में बुक में आपकी एंट्री है, वो लेबर लॉ हमारे पास की है। मजदूर के लिए हमारे भीमराव साहब ने जो हमारे संविधान है उसमें एक एक चीज मजदूर के बारे में दी है, उस पर अमल करना आकर हमारा काम है। अगर आप मुझे आगे भी सूचना देंगे, दिनेश जी हमारे साथ ये है, मैं दिल्ली से चल के आपके पैरों में हूं, आप एक बार मेरे कान तक बात सुनाएं या रियाज भाई तक बात सुनाएं, और आज आपके बीच में मैं एक नौजवान यहां का जिला अध्यक्ष डोडा का हम लोग उसका ऐलान करते हैं, नौजवान मोहम्मद अल्ताफ भाई, ये नौजवान को हमने डोडा का जिला अध्यक्ष घोषण किया हमने इसको कि ऐसा नौजवान आपके बीच में चाहिए, हमने इन तक में कोई भी 70 साल का नहीं रखा ना 75 साल का,
हमें दौड़ने वाला घोड़ा चाहिए, घर में बैठने वाला घोड़ा नहीं चाहिए। दौड़ने वाले पे हर आदमी पैसा लगाता है। नौजवान भागेगा आपकी समस्याओं को हल करेगा, वो बारीकी से जानता है आपकी समस्याओं का हल, वो अधिकारी से बात करने का उसका तरीका है, कहां आपकी प्रॉब्लम, कहां आपका वो। आप लोग मुझे आज बहुत आपके बीच में बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा। हम तो कह रहे हम लोगों पर से दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तमाम पूरी दिल्ली की फोर्स हमारे 24 अकबर रोड पे, सोनिया गांधी जी के बंगले पर, राहुल गांधी जी के बंगले पर ये नारा दिया है कि हर घर में झंडा। अरे हमें झंडा तो हमारे दिल में है, हमारे घर में आटा राशन, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। इस झंडे से हमारा पेट नहीं मरेगा, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी जीएसटी कम नहीं होगी। और ये भी बात मैं कह देना चाहता हूं, मैंने कल भी कहा मीडिया को, अगर आप झंडे के आप ऐलान करना चाहते हैं, गृह मंत्री जी आपने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि पीओके हमारा हिस्सा था और रहेगा। तो मैं आज डोरा में हूं और कल परसों तक मैं यही हूं। आप पे हवाई जहाज है और चलते हैं पीओके, वहां से झंडे की शुरुआत करते हैं। क्यों डर लगता है? दिल से झंडा होना चाहिए, घर में झंडा लगाने कुछ जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। आप लोग हमें नौकरी दो, रोजगार दो, हमारे घर की हमारे बच्चों की समस्या का हल करो। आप लोगों ने आज देश की रेल बेच दी, बैंक बेच दिया, एलआईसी बेच दी, आपने गैस के सिलेंडर, जो हमारी कांग्रेस में 400 रुपए सिलेंडर था, तब इनके एक मंत्रानी थी जो लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उन्हें चूड़ी फेंकी थी हमारी मनमोहन सिंह जी के ऊपर, सोनिया जी ऊपर। आज मैं उस मंत्रानी से पूछना चाहता हूं, वो चूड़ियां कहां गई? आज 1000 रुपए का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का सिलेंडर है। आज वो चूड़ियां आपके मोदी के हाथ में होनी चाहिए, अमित शाह के हाथ में होनी चाहिए। कल तक आप हमारी फोन राहुल को और हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां फेंक रही थी, आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, आज 1200 का सिलेंडर है। आपने हमारा पीएफ काट दिया, हमारी आप जो है दिवाली फंड दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, आपने बैंकिंग खत्म कर दी, लेकिन मजदूर का कोई बोनस नहीं है, कोई महंगाई भत्ता नहीं है, कोई दिवाली भत्ता नहीं है, कोई ईद का भत्ता नहीं है, कोई उनके लिए कोई भत्ता नहीं है जो मजदूर है, खाली उसकी दिहाड़ी है बस। तो ये देश के अंदर गरीब को मजदूर को मानना चाहते हैं। ये तो आपने कोरोना में देखा होगा, कौन सा मिनिस्टर मरा है कोरोना का, आप मुझे बता दें एक बार खड़े होकर कौन सा मिनिस्टर मरा है। कोरोना तो एक बहाना था मजदूर को मानना था। इन्हें मालूम है अगर इनको हल्का बुखार आ गया तो इनके लिए दिल्ली का 5-स्टार होटल बुक हो सकता है, 5-स्टार होटल बुक। अरे हमारे घर में किसी को हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल बंद करके और 4 वहां पे पहरेदार लगा देते थे। तो ये एक मानने की साजिश है तो क्या है? कितने लोग मुंबई से, बिहार से, चेन्नई से, तमिलनाडु से पैदल पैदल आए, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 88 बार आए, पैर में छाले पड़ गए, कहां गई इंसानियत, कहां मानवता गया? रेल आपने बंद करा दी, जहाज आपने बंद करा दिए, बसें आपने बंद करा दी, आप देश को बेचने में लगे हैं। खरीदने वाला तुम्हारा गुजरात का अडानी अंबानी, बेचने वाला तुम्हारा गुजरात का अमित शाह मोदी, एक ही प्रदेश से खरीदने वाला व्यापारी और बेचने वाला व्यापारी, इनके बाप की प्रगति नहीं है ये देश, ये मोदी आज इनके प्रदेश के प्रधानमंत्री के बाप की नहीं है। ये 1947 में जब देश आजाद हुआ ये सब चीजें बनाई कांग्रेस की है। आज जो भी बिक रहा है, जो बेच रहे हैं, तो इनके बाप की अमानत ही है, ये कांग्रेस की देन है, ये आजाद साहब का हॉस्पिटल की देन है, जिन लोगों को ठीक करके घर में भेजा। आज आप किस तरह लूटना चाहते हैं देश को, किस तरह मानना चाहते हैं? आपने फेसबुक पे देखा होगा परसों 9 साल के बच्चे को अपने कंधे पे ले जा रहा है बाप, उस लाश को, उस मां पे क्या गुजरी होगी। एक बार को अपने दिल पे सोचो, अगर मेरा बेटा मेरे कंधे पे हो, एम्बुलेंस वाला 2000 मांगे और हॉस्पिटल से मैं 25 किलोमीटर लाश लेके जाऊं, पीछे उनकी पत्नी थी,
क्या बीतेगी इस टाइम। और तुम 40-40 एम्बुलेंस अपने घर में रखो बंद करके बिहार के अंदर, तुम्हारा एमपी पकड़ा गया उसमें। आज याद है क्या क्या भाई लोगों, हमारा काम कहना है, आपका काम अमल करना है। अगर मेरी कभी आपको जरूरत पड़े, मेरे भाई याद भाई आपके बीच में है और हमारे छोटे भाई यहां के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष, हम लोग आपके काम पर खड़ा उतरेंगे। मुझे हमें तो बनाना है, हमें सरूरी साहब यहां पैदा करने हैं दूसरे, और वो रियाज साहब होंगे और तीसरा आदमी कोई नहीं होगा दूसरा। ये मैं आपको बता के जा रहा हूं। काबिलियत है उनके अंदर, जोश है काम करने का अंदर। हमने यहां सुना है कि घर के दरवाजे किसी गरीब के लिए बंद नहीं होते, घर के दरवाजे एक अमीर के करोड़पति के बंद होते हैं, 6-6 ताले, लेकिन रियाज भाई के दरवाजे कभी गरीब के लिए और मुसीबत आदमी के लिए बंद नहीं होते। दिल खुला इंसान है, उनके साथ के मुझे बता दे सर, मरते हैं गरीब के लिए। मैंने बहुत उनकी वीडियो देखी, आवाम उनके पीछे पीछे तोड़ते हैं, पूरा देहात उनके पीछे जोड़ते हैं, रियाज साहब आ गए, रियाज साहब आ गए। ये करो को अपने अंदर इसने घट, कांग्रेस को कमजोर करने का काम तुम कर रहे हो। दिल्ली से यहां से जम्मू से दिल्ली भागते हो, वहां आईना दिखा दो क्या कमरे में बैठकर। हम यहां खोद आए जमीन पर, यहां पर इसलिए देखा कि कल को हमारा कार्यक्रम इस वार्ड में है, तो हम अपने बीच में एक हीरा पैदा करना चाहते हैं। मजदूर की आवाज, आवाम की आवाज, कल वो खड़ा उतरेंगे तो ये मेरा आज यकीन है। अगर हमारे रियाज भाई बने तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, जो 2014 के बाद अधूरी रह गई, वो यहां से पूरी होगी। जो उम्मीदें हैं आपकी, हमारी बहन के हाथ में जो होगा, हमारी बहन हर वर्कर के काम में आती है। अब डिग्री मेंबर के हाथ में क्या है वो आप बहन जानती है, आप जानते हैं, इसमें भी कोई दो शक की बात नहीं। हम लोग देखते हैं, परसों आपके जम्मू के अंदर पीसीसी भवन में उनके अकेले आदमी के 150-200 आदमी रियाज भाई के, जो और लोग नहीं इन 200 ला सके वो अकेले रियाज भाई के 200 आदमी। अभी तो कोई ओहदा नहीं दिया उनको हमने, आज वो नेशनल सेक्रेटरी बने इनके। अच्छा, ये आप लोग, हम चाहते हैं कि वो चीज हो जो जुनून हो, दोबारा सैलाब आए कांग्रेस का, सोनिया जी का हाथ मजबूत हो, राहुल जी का हाथ मजबूत हो और आजाद साहब को एक बार फिर तुम्हारे पुनः मौका मिले यहां का चैंपियन बनने। मैं तो आप लोगों के बीच में इतना अच्छा लगा आपसे मिलकर बातें करके, सुबह भी रात भी, कि मैं बहुत खुश नसीब हूं जो मेरी एक बहुत, मैं पूछा आजाद साहब से कि आपका गांव कह रहा वहीं रियाज साहब से आगे चल किस बार के बारे में कसियार है गांव कौन सा बता रहे थे गंदू। अच्छा हाँ, वो नजदीक में है, तो ये मैं खुद नसीब हूँ उनके गांव के क्षेत्र को ही निकल के जाऊंगा। हाँ हाँ, तो ज्यादा ना कहकर मेरे सब लोगों को मेरा बहुत बहुत, आप लोगों ने कीमती समय दिया, धूम में आप लोग बैठे, ये सही कहा कि ये तो एक हर पंचायत से 2-2 आदमी बुलाए थे कि अगर एक जलसा करते तो रियाज साहब का 15,000-20,000 आदमी से कम ना होता जलसा। और ये भी मेरे एक शब्द आपसे, इनका ना चाहेगा तो आजाद साहब का एक जलसा मैं यहां कराऊंगा, आजाद साहब को लेकर आऊंगा रियाज साहब को, ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूं, ये मैंने उनसे कहा है। मैं कहा सब 2 जलसे होंगे यहां पर, और हम लोग ये भी बाद में जो प्रभारी हैं रजनी पाटिल उनसे भी, और ये कहूंगा ये इस तरह के अफवाह फैलाने के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, पार्टी की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई हो और आगे से भूल जाए किसी के बारे में गलत फहमे। ये कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है, जिनने भी ये अफवाह फैलाई है तो मैं समझता हूं वो कांग्रेस को कमजोर कर रहा है, कांग्रेस को ताकत नहीं दे रहा है, वो कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। धन्यवाद। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मैं आई थी मैं ये भूल गई कि मैंने आपसे एक वायदा किया था, याद है आप लोगों को?
कौन है पुराने लोग? पुराने लोग कौन कौन है इसमें? मैंने टेलीफोन पे बात करवाई थी आपकी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब से, और मैंने बोला था कि मैं उनको यहाँ तक लाऊंगी। मैं झूठी नहीं निकली, मैंने उनको यहाँ लाया, आप लोगों से मिलाया, ठीक है। इसीलिए मैं अपना वायदा पूरा किया। आप लोगों ने अपना वायदा पूरा करना है कि हम अगली बार आए। ये भाई साहब, ये जो लोग है ना, जैसे दूध को छोल के ना मक्खन निकालते हैं ना, ये मक्खन है, क्रीम है यहाँ की। यानी कि 100 लोगों के ऊपर एक लोग है, 100 बंदों के ऊपर एक बंदा है। ये एक बंदा 100 बंदों को आगे जाके आपकी जो बात है करेगा। ये क्रीम है यहाँ की, डोडा की, दूर दराज से लोग हैं। मुझे भरोसा है मैं दूसरी बार आऊंगी, यहाँ पे जबरदस्त जलसा होगा। और हमारे अगर उस मालिक ने चाहा, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। मैं जब यहाँ आने वाली थी ना, मैं प्रोग्राम बना रही थी, मुझे वाहिद जी ने बोला किश्तवाड़ वालों ने, मैडम सुरूड़ी साहब यहाँ नहीं है, मैडम यहाँ मौसम खराब है। मैंने कहा बात सुनो, मैं आ रही हूँ ना आप लोगों के लिए आ रही हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं घर छोड़ के आ रही हूँ। वो दिल्ली से आ रहे हैं भाई साहब, अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, इनका टाइम कीमती है। तो ऊपर वाले को भरोसा करना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा, मौसम भी ठीक करना पड़ेगा। आज सुरूड़ी साहब भी किश्तवाड़ में, आज मौसम भी अच्छा है, मालिक ने मेरा साथ दिया, वो देख रहा है, वो हर चीज में। मैं उसको ये बोलूंगी कि हे मालिक, हे ईश्वर, अगली बार आओ तो यहाँ के जो MLA है रियाज साहब होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी दिली ख्वाहिश है, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना टाइम निकाल के आए। हमारी प्रदेश अध्यक्ष, हमारी बहन परमा सुराठी जी को सम्मानित करेंगे, हमारी बहन PDC मेंबर साव लोड के। मैं हमारी बटोट से जिला अध्यक्ष मेंबर, मैं चाहते ये शुभ मौके पर सम्मान करें हमारी बहनों का।